बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि खाद्य तेल से है। खाने वाले तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली देखने को मिली है। वहीं ग्लोबल मार्केट में मिले जुले रुख के बीच में 10 से 12 दिनों में तेल की कीमतें बिकवाली के दबाव से निकल आई हैं। इसके साथ ही सोयाबीन डिगम के भाव में सुधार दिखा है, जबकि सरसों, मूंगफली, बिनौला, सीपी और पामोलियन तेल, सोयाबीन, दिल्ली और इंदौर की कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही हैं। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में मामूली तेजी देखने को मिली है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में उम्मीद से कम यानी लगभग 2% की गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं सोयाबीन के DOC की मांग कमजोर होने से सोयाबीन तिलहन के भाव में गिरावट आई है। सोयाबीन से लगभग 82% DOC की प्राप्ति होती है, जो मुर्गी दाने के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि कमजोर भाव पर रहने के कारण थोड़ी मांग निकलने से सोयाबीन डिगम तेल के भाव में सुधार आया है, जबकि नीचे भाव पर कुछ मांग होने के बीच सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, दिल्ली एवं इंदौर, CPO और पामोलियन तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सूत्रों ने कहा है कि सरसों की आवक निरंतर घट रही है और इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि खाद्य तेल की जरूरतों का स्थायी समाधान देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाना ही हो सकता है।